हेलो इरीस, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है अभी वर्तमान में, तो आपका ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये कब तक नॉर्मल हो जाएगा, कब तक ख़त्म हो जाएगा, एंड अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रहा है एंड इस बात का खबर तक नहीं है आपको, तो ये भी हम चेक करने वाले हैं। एंड इसके साथ आपकी एनर्जीज भी देखेंगे, आपके जो पर्सन है जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो उनकी एनर्जीज भी हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एरीज है यानी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, द हेरोफेंट, द मजिशियन, दोनों मेजर अरकानास आगे हैं आपके लिए। ओके, तीनों मेजर अरकानास, द हैंग्ड मैन, क्या बात है, किंग ऑफ कप्स हेरोफेंट के ठीक नीचे ही आ गया है, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। फाइन, यहाँ पर बॉटम द डेक में द स्टार आया है। सो देखो, आप अपने लव लाइफ को लेकर वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो, बट चीज़ें नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइट आपको दिख रही है ये कहीं ना कहीं आपके होपलेस जगह पर ही आपको होप शो करवाएगा, अंधेरे में आपको लाइट दिखाएगा। ओके, सो बी पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंकिंग को अपने मन में रखें, नेगेटिव थॉट्स एकदम से अपने मन में ना लाएं कभी भी, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत आसानी से अट्रैक्टेड हो जाती है, बट पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। देखो, टॉरस की एनर्जी दिख रही है, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है, उसके साथ एक्वेरियस की एनर्जी भी हाई दिख रही है। आज साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, यही एनर्जीज दिख रहे हैं। ओवरऑल ये जो फर्स्ट रो आपको दिख रही है ये आपकी एनर्जीज को शो कर रही है, एंड नीचे जो ये सेकेंड रो दिख रही है आपको ये आपके पर्सन की एनर्जीज को शो कर रही है। कुछ ही दिनों का यानी रिसेंट कुछ दिनों का एनर्जी भी हो सकता है, करेंट फीलिंग्स भी हो सकता है। सो देख लेते हैं कि क्या बात है। आपका जो फर्स्ट एनर्जी है वो है द हेरोफेंट। आप इस इंसान को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे एक टाइम पर, आप उनके साथ शादी करना चाहते थे, आप उनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाहते थे, आप उनके साथ घर बसाना चाहते थे, कहीं ना कहीं फैमिली क्रिएट करना चाहते थे। तो बहुत सारे सपने ऑलरेडी आपने बुन लिया था इस पर्सन को लेकर, बट मसला कहीं ना कहीं उस पर्सन के तरफ से ही आया है, क्योंकि आपका जो मन है वो साफ दिख रही है मुझे। आपके मन में कोई भी गिले शिकवे नहीं दिख रहे हैं इस पर्सन को लेकर, यानी इनको लेकर कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं दिख रहे हैं ओवरऑल। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रही है कि आपके जो फैमिली है ना, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ता अभी ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ ही दिनों के अंदर ढूंढने वाले हैं। इस बात को लेकर भी आप थोड़ा सा बॉदर होने वाले हो, ये बहुत कम लोगों के लिए दिख रही है मुझे। एंड इसके ऑपोजिट में आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड सीरियस बनती हुई दिख रही है। आप जहाँ पर एकदम से क्लियर माइंड में एकदम से मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो उस पर्सन को लेकर, ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हैं। एंड इनके मन में कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं मुझे जो पहले नहीं था, यानी ये इंसान आपके साथ जब थे तब उस इंसान को ना इतना ज्यादा प्यार आपके ऊपर नहीं आया था, कहीं ना कहीं आपसे भी ज्यादा ये इंसान आपको प्यार करने लगे हैं। आपसे दूर जाकर इन्होंने आपका वैल्यू को समझा है, आपसे दूर जाकर बहुत सारी चीजों को इन्होंने रियलाइज किया है, बहुत सारी गलतियों को इन्होंने सोचकर उस चीज का हल निकालने की कोशिश किया है। अभी कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी फासले हैं, जो भी दूरियां हैं, वो खत्म करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, नए नए आइडियाज अपने मन में लाते हुए दिख रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, एंड भगवान के ऊपर ट्रस्ट भी रखते हुए दिख रहे हैं कि हाँ चीजें नॉर्मल एक टाइम पर हो ही जाएगा आप दोनों के बीच में। तो ये इंसान कहीं ना कहीं मैच्योर होते हुए दिख रहे हैं लव लाइफ के साइड से। देखो, हो सकता है करियर के साइड से बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, या फिर एक्चुअल में बहुत ज्यादा एज्ड इंसान है, या फिर हो सकता है बहुत ज्यादा नॉर्मली मैच्योर है बट लव लाइफ के साइड से इमैच्योर थे। इंसान के अंदर ना लव लाइफ के साइड से मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है अभी। एंड यहाँ पर अगर आपकी नेक्स्ट एनर्जी की बात करो तो यहाँ पर आप देख सकते हो द मजिशियन है। तो मजिशियन का एनर्जी कहीं ना कहीं एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की बात करता है। तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करने वाले हो। देखो, 5% लोगों के लिए मुझे दिख रही है कि आपके शादी आपके घर वाले कहीं पर और तय कर चुके हैं या फिर कुछ ही दिनों के अंदर करने वाले हैं, ये बात मुझे बार बार नजर आ रही है।
एंड बाकी 95% लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि आप इनके साथ ही ये जो न्यू जर्नी है ये स्टार्ट करना चाहते हो, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हो सब कुछ भुला कर, एंड चीज़ों को आप ना कंट्रोल भी करना चाहते हो। तो कुछ चीज़ें हो सकता है आप दोनों के बीच में ओवर हो गया था, तो कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, जो चीज़ इस इंसान को पसंद नहीं था। आप थोड़ा सा खुद को मेंटेन करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, एंड उसी तरफ आपके पर्सन की एनर्जी को आप देख सकते हो। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स से ये इंसान अभी कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी से बाहर आने लगे हैं। बहुत टाइम से एक स्टक एनर्जी में थे, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसमें गलती किसका था उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी इनके पास क्लैरिफिकेशन अच्छे से मुझे नजर आ रही है, यानी इनके पास ना अभी सारे क्वेश्चंस का आंसर है, क्योंकि इन्होंने बहुत ध्यान लगाकर चीजों को सोचा है, समझा है एंड जानने की कोशिश किया है। एंड देखो, ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके ऊपर नजर नहीं रख रहे थे। आप दोनों के बीच में अगर कोई कॉमन फ्रेंड है या फिर आप कह लो आपके सोशल मीडिया ऐप के थ्रू भी ये इंसान आपके ऊपर नजर रख रहे थे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या डीपी लगा रहे हो, कैसा ड्रेस पहन रहे हो। एंड मुझे दिख रही है अगर आपने इनको ब्लॉक भी कर दिया था पहले, तो ये किसी अलग अकाउंट से आपको फॉलो कर रहे हैं। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो एनर्जी यहाँ पर आप देख सकते हो द हैंग्ड मैन की है। चीज़ें कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से छोड़ते हुए दिख रहे हो डिवाइन के ऊपर, क्योंकि आप अपने मन में बहुत टाइम से होप लेकर बैठे हुए हो, अभी आप पेशेंस लूज करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगने वाला है कि नहीं, कुछ भी चीज़ें अभी नहीं सॉल्व होने वाला है, कुछ भी चीज़ें अब नहीं सही होने वाला है, एंड जिसके वजह से ही आप यहाँ पर एक्शन लेना भी बंद कर रहे हो, चीज़ों को सोचना भी बंद कर रहे हो, खुश होना भी बंद कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक हैंग्ड आउट वाला सिचुएशन दिख रही है मुझे। आपका दिमाग इस टाइम पर काम नहीं करेगा सही से, क्योंकि आप एक ऐसे जोन में दिख रहे हो जहां पर कोई भी सिग्नल नहीं पहुंच पाएगा, यानी आपका जो दिमाग है वो किसी भी सिग्नल को कैच नहीं कर पाएगा। आप हमेशा एक ख्यालों में डूबते हुए दिख रहे हो, एंड उसी तरफ आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जीज को आप देख सकते हो फाइव ऑफ पेंटिकल्स की है। ये इंसान अभी बहुत ज्यादा मैच्योर बन गए हैं मुझे दिख रही है, एंड सभी क्वेश्चंस का आंसर भी इनके पास है। तो ये इंसान चाहे तो इस दरवाजे को आसानी से खोल सकते हैं, क्योंकि इनके पास की भी है, लॉक भी दिख रही है दरवाजे में, बट ये इंसान ऐसा नहीं करेंगे। ये इंसान पेशेंस रख के वेट करते हुए दिख रहे हैं। तो देख लेते हैं चीजें कब तक कैसे नॉर्मल हो जाएगा आप दोनों के बीच में। पॉजिटिव रहे, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो आप दोनों के बीच में कोई इंसान अगर अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो करियर के साइड से स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं, एंड अपने लव लाइफ को भी स्टेबल करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो दिख रही है मुझे आप दोनों के बीच में ना कुछ डिफरेंसेस हैं, वो एज डिफरेंस हो सकता है, कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है, एंड जिसकी वजह से ही थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है आप दोनों के लव लाइफ में। मुझे दिख रही है ये थर्ड पार्टी आपके फैमिली हो सकते हैं या फिर उनके फैमिली हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में ये जो डिफरेंस है इसके वजह से ही फैमिली कहीं ना कहीं आपस में नहीं बन रही है। तो दिख रही है आप या फिर आपके पर्सन, ज़्यादातर आपके पर्सन ही दिख रहे हैं, पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे थे, करियर के साइड स्टेबिलिटी को पाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि ये इंसान ना आपको एकदम से पूरे कॉन्फिडेंट के साथ, पूरे जोर के साथ आपको अपना सके, आप दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस ना रहे। ये इंसान कहीं ना कहीं खुद को फाइनेंशियली स्ट्रांग करने के बाद ही आपके तरफ कुछ प्रपोजल ले आते हुए दिख रहे हैं। देखो यही बात मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिख रही है, क्योंकि ये जो इंसान दिख रही है आपको, आपके जो पर्सन है, वो इंसान कहीं ना कहीं इक्वालिटी चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक वाला एक रिलेशनशिप चाहते हैं। जिस लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा लो फील हो, इक्वालिटी महसूस ही ना हो, उस लव रिलेशनशिप में कभी भी लव एग्जिस्ट नहीं कर सकता लॉन्ग टाइम के लिए। तो यही इनका मानना है। एंड देखो चीजें सुधरता हुआ दिख रहा है मुझे, 3 से 6 महीने लगेंगे, यानी अभी से लेकर 3 से 6 महीने के अंदर चीजें नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं, अच्छी होती हुई दिख रही हैं, स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही हैं। ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनएक्सपेक्टेडली आपके लव लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, एंड अंधेरे में होप दिखने वाली है, अंधेरे में रोशनी नजर आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से
यस आ गया है, कहीं ना कहीं ये एक श्योरिटी है कि आपका ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ये खत्म हो जाएगा, ये एकदम से हीलिंग की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा कुछ ही दिनों के अंदर। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, इट्स अप टू यू, कुछ चीजें आपके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। देखो आपके फैमिली की तरफ से आप कितना ज्यादा लॉयल हो या फिर इनकी तरफ से आप कितना ज्यादा लॉयल हो, तो ये तो आपके ही ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किसके सपोर्ट में रहोगे। कुछ मसला अगर ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आपकी फैमिली को चूज करना है या फिर इनको चूज करना है, तो ऐसे में आप किसको चूज करोगे, तो ये बात भी चला आता है। देखो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके ऊपर ही डिपेंड कर रहा है कि आप अपने जो भी गलत चीज़ें हैं उसको सुधारोगे कि नहीं, जिस चीज़ को इनको गलत लगता है, यानी आपके पर्सन को गलत लगता है। यहाँ पर है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो देखो आपके जो पर्सन है उनके बारे में आपको थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए दिख रही है कि ये पर्सन हो सकता है, आप शायद अपने पर्सन को ठीक से अभी भी नहीं जानते हो, इनके मन को अभी भी आप ठीक से सही से पहचान नहीं सके हो, ये इंसान क्या चाहता है, किस चीज से ये इंसान खुश हो जाते हैं, तो ये सब चीजें आपको जानना चाहिए क्योंकि आप दोनों एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके हो। देखो 15% लोगों के लिए दिख रही है कि आपके जो ये पर्सन है इस टाइम पर हो सकता है किसी और इंसान के साथ डेट कर रहे हैं या फिर किसी और इंसान के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, या फिर कोई एक इंसान इनको अपनी तरफ अट्रैक्टेड करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है, इनके मन से आपको डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा इस बात के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए कि एक्चुअल में ये इंसान अभी कर क्या रहे हैं। अगर आप इस इंसान के लिए अभी भी वेट कर रहे हो, मूव ऑन नहीं किया है, तो डेफिनेटली कोशिश करें इस इंसान के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की और ज्यादा जानकारी हासिल करने की। सो यही आपके रीडिंग है एरीज, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं क्योंकि इतने सारे मेजर अरकानास जो आ गए हैं। सो थैंक यू एरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।